स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 28वां पार्ट है और चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हैं। तो वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 10 या 11? संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया, 1978 या 1976? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, अंबेडकर समिति या स्वर्ण सिंह समिति? जब स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को पेश किया, संस्तुति की, तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सॉरी, 10 या 8? स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में परिवर्तन करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, 8 या 10? 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 51 क का ट? छह से 18 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना या 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, जर्मनी से या रूस से? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन है, भाग 4 में या भाग 4 क में? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करे, अनुच्छेद 51 के तहत या अनुच्छेद 51 क के तहत? राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या निहित हैं, ध्यान दें, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण या पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन? और बताएं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा, के एम मुंशी या के टी शाह? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहां है, मूल अधिकार में या राज्य के नीति निदेशक तत्व में? राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता या प्रौढ़ शिक्षा? ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 40? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 44? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, ये क्या है, मौलिक अधिकार है या राज्य के नीति निदेशक तत्व?
ये धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज है सर्वाधिक दर्शाता है, कौन से जगह पे ये दर्शाता है, मौलिक अधिकार द्वारा या राज के नीति निदेशक तत्व द्वारा। ये सब आईएएस पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। और राज के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, ध्यान दीजिए। निदेशक परिवर्तनीय है जबकि अधिकार परिवर्तनीय नहीं है, या निदेशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय नहीं है, आइए इसका प्रश्न है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।